रहे हैं, बागेश्वर बाबा आने वाले हैं, अब सारे नौजवान हैं एकजुट। अगर बागेश्वर बाबा हिंदू मुसलमान भाई को लड़वाने के लिए आ रहे हैं तो मैं उनका विरोध करूंगा, उनको एयरपोर्ट पर घेराव में करने का काम करूंगा। अगर बागेश्वर बाबा आएंगे आ हिंदू मुसलमान को लड़वाने का काम करेंगे, तो अगर भाईचारे का संदेश देंगे आ करके कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई, तो उनका बिहार में एंट्री हो सकता है। बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री को उनकी अगली कथा से पहले अल्टीमेटम दिया गया है। बाबा को चेताया गया है कि कथा सुनाने आ रहे हैं, कथा ही सुनाइएगा, उससे ज्यादा कुछ किया तो गड़बड़ हो जाएगी। वैसे ये कोई पहला मौका नहीं जब बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री को किसी ने चैलेंज किया है। नमस्कार, मैं हूं संजय बिष्ट और आप देख रहे हैं इंडिया लाइव। अभी हाल ही में धीरेन्द्र शास्त्री ने भगवान परशुराम और साईं बाबा को लेकर टिप्पणी की थी। भगवान परशुराम को लेकर कहा था कि भगवान परशुराम ने जब एक बार में ही इस धरती को क्षत्रियों से विहीन कर दिया था तो ये 20 बार क्षत्रिय कहां से आए। दरअसल पुराणों में ऐसा कहा गया है कि भगवान परशुराम ने धरती को 21 बार क्षत्रियों से विहीन किया था। इसी बात को लेकर कुछ लोग उनसे नाराज हैं और कुछ उनके समर्थन में भी हैं। इससे पहले धीरेन्द्र शास्त्री ने साईं बाबा को लेकर भी बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि गीदड़ की खाल पहनकर कोई शेर नहीं बन जाता। उनकी इस बात से साईं बाबा के भक्तों की भावनाएं आहत हुई और उनसे माफी मांगने की बात कही गई, जिसके बाद शास्त्री जी ने ये कहते हुए माफी मांगी कि मेरा हमेशा से संतों के प्रति और महापुरुषों के प्रति सम्मान है जो हमेशा बना रहेगा। खैर, पर्चा निकालकर लोगों की समस्या का समाधान करने वाले बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री बिहार की राजधानी पटना जाने वाले हैं। पटना में वो कथा भी सुनाएंगे और अपने दरबार में लोगों का पर्चा भी निकालेंगे। उनका ये दौरा 5 दिन का रहेगा जो कि 13 मई से शुरू होकर 17 मई को खत्म होगा। लेकिन जैसे ही उनके इस दौरे की खबर बिहार के पर्यावरण मंत्री और लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप को पता चली तो तेज प्रताप ने चेतावनी दे डाली। बागेश्वर बाबा आने वाले हैं, अब सारे नौजवान हैं एकजुट। अगर बागेश्वर बाबा हिंदू मुसलमान भाई को लड़वाने के लिए आ रहे हैं तो मैं उनका विरोध करूंगा, उनको एयरपोर्ट पर घेराव में करने का काम करूंगा। अगर बागेश्वर बाबा आएंगे आ हिंदू मुसलमान को लड़वाने का काम करेंगे, तो अगर भाईचारे का संदेश देंगे आ करके कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई, तो उनका बिहार में एंट्री हो सकता है। आपको बता दें कि अपने बयानों से हमेशा धीरेन्द्र शास्त्री चर्चा में रहते हैं। हाल ही में उन्होंने हिंदू राष्ट्र की मांग उठाते हुए कहा था कि जल्द ही भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। वो लगातार भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करते रहते हैं। इससे पहले धीरेन्द्र शास्त्री तब चर्चा में आए थे जब उन्होंने कहा था कि उन पर भगवान हनुमान की विशेष कृपा है जिसके जरिए वो भक्तों की समस्याओं को दूर करते हैं। लेकिन अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूल समिति के श्याम मानव ने उन पर अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगा दिया, जिसके बाद नागपुर में धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ केस भी दर्ज हुआ। उधर मध्य प्रदेश लौटकर यानी कि मध्य प्रदेश के रायपुर में दिव्य दरबार लगाने के वक्त धीरेन्द्र शास्त्री ने श्याम मानव को खुला चैलेंज दिया और कहा कि श्याम मानव यहां आकर देख लें कि वो कैसे लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं। बाबा का कहना है कि कोई अंधविश्वास नहीं फैला रहा, मैं कभी नहीं कहता कि मैं भगवान हूं, संविधान के तहत मुझे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हासिल है और उसी के तहत अपने धर्म का प्रचार कर रहा हूं। उनका ये भी कहना है कि उन पर लगाए जा रहे आरोप एक साजिश का हिस्सा है और इसी धर्म के प्रचार से तेज प्रताप ने चेतावनी दे डाली कि सनातन धर्म का प्रचार करेंगे तो सही है लेकिन हिंदू मुसलमान किया तो अच्छा नहीं होगा। अब आपका क्या कहना है, धर्म के नाम पर हिंदू मुस्लिम के बीच खाई को गहरा करना कितना सही है? क्या धीरेन्द्र शास्त्री सही हैं या फिर तेज प्रताप, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।